हेलो एंड वेलकम। तो मैं एक और वीडियो के साथ आया हूँ, एक और नई ट्रिक के साथ, तो वो भी इंटीग्रेशन की ट्रिक। जी हाँ, इंटीग्रेशन की ट्रिक के लिए मैं आया हूँ। उसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में। जब आपको क्वेश्चन रहता है तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन कहा जाता है। और क्वाड्रेटिक बहुत ही सिंपल ट्रिक है। इसमें आपको दो केस रहेंगे और दोनों केस की मैट्रिक इसी वीडियो में बताने वाला हूँ, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें और आखिरी तक देखें। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और फिर देखें वीडियो। तो ये देखते हैं, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। दो केस बनेंगे आपके। पहला केस ये होता है आपका बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ये जो आपको पता है डिस्क्रिमिनेंट आपने पढ़ा होगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब भी, तो अगर ये आपका क्या हो जाए, ये जीरो से कम हो जाए, मीन्स अगर आपकी वैल्यू माइनस में आती है तो। और एक चीज है आपकी फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर आपका जीरो से बड़ा, तो ये दो कंडीशन आपकी बनेगी। तो पहली कंडीशन पे अपन आते हैं। पहली कंडीशन में जो मैं ये क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ, ये क्वेश्चन जो है आपको देख लेते हैं अभियान। जैसे मैं ये वाली कंडीशन बताऊंगा, फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहले आप ये चेक कर लो कि भैया इसमें क्या आने वाला है। तो आप यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू कितनी होगी, वन। ए की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे वन होगी। बी की वैल्यू कितनी होगी, माइनस सिक्स। और सी की वैल्यू कितनी होगी, थर्टीन। तो इस चीज का ध्यान रखें। तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ, फोर ए की वैल्यू वन और सी की वैल्यू थर्टीन, माइनस बी स्क्वायर मतलब माइनस सिक्स का होल स्क्वायर। तो दिस इज 52 माइनस 36, दैट मीन्स कितना आ रहा है, 16। तो 16 इज पॉजिटिव, तो 16 आपका पॉजिटिव है, तो मतलब ये वाला केस सक्सेसफुली अप्लाई हो रहा है। तो आप समझ लीजिए कि इसमें बस एक छोटे से ट्रिक, छोटू सा फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, वो है आपका 2 अपॉन अंडर रूट 4 ए सी माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और साथ में यहाँ पे लिखना है आपको टेन इनवर्स, और जो ये आपको दिया होता है फंक्शन उसका डिफरेंशिएशन, जैसे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का आपको यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना है। क्या करना है आपको, डिफरेंशिएशन, और आपको वही अंडर रूट 4 ए सी माइनस बी स्क्वायर। तो चलिए अब इसमें अपन अप्लाई कर देते हैं 4 ए सी माइनस बी स्क्वायर, इसमें अपन अप्लाई करते हैं। तो मैं अप्लाई करूंगा। तो अभी हमने जो वैल्यू निकाली वो इसकी जो वैल्यू निकाली हमने 4 ए सी माइनस बी स्क्वायर कितनी थी, 16। मैं इसलिए लिख रहा हूँ अभी हम वैल्यू पुट करने वाले ना, इसलिए। तो देखें यहाँ पे क्या लिखा है, 2, तो 2 लिख दिया, ठीक है। अंडर रूट कितना आएगा आपका, 16, ठीक है। टेन इनवर्स, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे क्या होगा, 2x माइनस 6, ठीक है। और इसके बाद अंडर रूट 4 ए सी माइनस बी स्क्वायर मतलब अंडर रूट 16, प्लस क्या लगा देंगे, c। तो यहाँ पे 2, इसका कितना आंसर आएगा, 4, टेन इनवर्स, यहाँ से आप 2 कॉमन ले लीजिए तो अंदर बचेगा x माइनस 3, और यहाँ पे कितना जाएगा आपका, 4। तो 2 वन्स आर 2, 2 टूज आर 4, दैट मीन्स 1 अपॉन 2, 10 इनवर्स, 2 वन्स आर 2, 2 टूज आर 4, x माइनस 3 अपॉन 2 प्लस c। सो दिस इज द आंसर। जी हाँ, ये आपका आंसर हो गया। तो ये हमारा केस 1 फिनिश हो गया। अब हम आते हैं केस 2 पे। तो अब आते हैं केस 2 पे। तो केस 2 में हमें देखना होता है 4 ए सी माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू कैसी आती है, नेगेटिव है। तो हम अभी देखिए इसमें ए की वैल्यू आपको कितनी है, 2 है, तो 4 ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू कितनी है, माइनस 1, और माइनस बी की वैल्यू कितनी है, 1, तो 1 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 4 टू जा 8 माइनस 8 माइनस 1, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, माइनस का 9। तो ये आपके माइनस में वैल्यू आ रही है, तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे केस 2 लगेगा। तो अब अपन आते हैं फॉर्मूले। तो फॉर्मूले में अपन देखेंगे, फॉर्मूला होता है आपका 1 अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी लॉग, और इसका फिर डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का डिफरेंशिएशन, और आपका यहाँ पे जाएगा माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का डिफरेंशिएशन और प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी। देखो ध्यान से, यहाँ पे हमने निकाला है 4 ए सी माइनस बी स्क्वायर, इसलिए माइनस 9 है, तो यहाँ पे हम बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी रखेंगे तो ये प्लस 9 हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो अपन यहाँ पे मैं आपको करवाता हूँ। तो अपन करेंगे 1 अपॉन इसको जाएगा अंडर रूट 9, ठीक है, अंडर रूट 9, और यहाँ पे लॉग, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे क्या हो जाएगा, 2 टू जा 4 एक्स प्लस 1, और यहाँ पे कौन सा, माइनस का साइन, और इसकी वैल्यू कितनी, अंडर रूट 9 अपॉन में फिर से डिफरेंशिएशन 4x प्लस 1 और प्लस में रूट 9, ठीक है। तो ये चीज आप समझे। तो अपन अगर मैं आगे इसको हम सॉल्व करते हैं तो फाइनल आंसर हमारा क्या आएगा, फाइनल आंसर हमारा आएगा 1 अपॉन 3 लॉग 4x
यहाँ पे प्लस वन और ये माइनस का थ्री बचेगा, तो जाएगा माइनस टू और ये हो जाएगा आपका फोर एक्स। यहाँ पे कौन सा सारा है, प्लस फोर होगा क्योंकि थ्री है, तो थ्री प्लस वन कितना हो जाएगा फोर, और प्लस का सी, तो हम इसको आंसर लिखना चाहेंगे वन अपॉन थ्री लॉग। यहाँ से मैं टू कॉमन ले सकता हूँ, तो टू कॉमन लूंगा तो अंदर क्या बचेगा आपका यहाँ पे टू एक्स माइनस वन, और यहाँ से मैं टू कॉमन लेकर उसको कैंसिल कर दूंगा तो ये क्या बचेगा आपका टू एक्स प्लस टू प्लस में सी। दिस इज द फाइनल आंसर। तो गाइस आपको ये समझ में आएगा, बहुत ही सिंपल ट्रिक है, आप कर सकते हैं सॉल्व और आप ट्राई करें घर पे। अगर नहीं आती है तो प्लीज कमेंट करें, मुझसे पूछें, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी मैथ की प्रॉब्लम है तो मैं आपको सॉल्व करके दे दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।